पूरा सब मशीनिये से पूरा। तो कौन लगे आपका? सासू माँ हूँ। क्या करने आई थी खेत? बाल छिलने के लिए। बाल छिलने के लिए। हाँ। ओ, तो आपको जाने जानकारी कैसे हुआ कि वहाँ कुत्ता काट रहा है? आदमी आदमी बोलने के बाद में से आदमी सबको मालूम। मजदूरी आदमी था। मजदूर थी। हर दिन काम करने आते थे? हर दिन। बारह मास 3600 दिन। बारह मास 3600 दिन। हम उनका बड़ा बेटा हूँ। बारह मास 3600 दिन काम। एक दिन बंद ना है। सात दिन चौरे में रहती थी। सब दिन चौरे में जितना भी बारिश आवे तूफान आवे चौरे में रहती थी। सब दिन सब दिन भाई बहुत बड़ा है। यहाँ यहाँ के जो बछवाड़ा प्रशासन है और बेगूसराय जिला प्रशासन और यहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी उनसे क्या मांग करना चाहते हो? जो कुत्ता का लगातार आतंक ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हो और क्या मांग करना चाहते हैं? इसका मुआवजा होना चाहिए। लगातार महिलाओं और पुरुषों का मांग है और यहाँ के स्थानीय निवासियों का मांग है कि कुत्ता का आतंक लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और बढ़ने के कारण इससे लगभग एक महीना पहले कादराबाद पंचायत के वार्ड नंबर 2 में एक महिला को कुत्ता काटा, फिर वो भी महिला मर गई और आज रुदौली पंचायत के भरोल के वार्ड नंबर 3 निवासी महिला है उनको भी कुत्ता काटा और मर गई। मरने के बाद इन लोग का मांग है प्रशासन से, यहाँ के प्रशासन की से कि जब तक मुआवजा का कोई व्यवस्था नहीं किया जाएगा तब तक हम लाश नहीं उठने देंगे। आपका सास हुआ, आप क्या मांग करते हैं? यहाँ पर हम आए हैं कि हमको सास का जैसे मरी है, आज एक मरी है दूसरी मरेगी और वहाँ पर भी मर गई है, ले गए खींच के। हम सब आते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करते हैं, जब तक नहीं खटेंगे खाएंगे कहाँ से? लेकिन जिला परिषद या कोई भी प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर वोट का राजनीतिक नहीं, यहाँ पर राष्ट्रीय ऊपर क्या कहना चाहते हैं और सरकार से और यहाँ के प्रशासन से क्या मांग करना चाहते? मुआवजा मुआवजा मांग कर रहे हैं। हाँ, हाँ। आपका नाम क्या हुआ? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी। और सुरक्षा भी मांग कर रहे हैं। वन विभाग से क्या मांग कर रहे हैं कि कुत्ता को यहाँ से पकड़ कर बेगूसराय के वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि जो लगातार आतंक बछवाड़ा क्षेत्र के कई पंचायतों में बढ़ते जा रहा है कुत्ता का आतंक, आप सभी और मेरे न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको मांग करते हैं कि आप जितना भी क्षेत्र में कुत्ता हो कृपया इस कुत्ते को पकड़ कर ले जाए, अन्यथा यहाँ के जो गरीब मजदूर लगातार मारे जा रहे हैं कुत्ता के आतंक से। लोग रोटी के कारण मरता है, यहाँ रोटी के कारण नहीं, यहाँ कुत्ता के आतंक के कारण मर रही है लोग, महिलाएं खास तौर पर महिलाएं। बताइए यहाँ के प्रशासन नींद से सोई है, कुमकर्णी नींद से सोई हुई है। हाँ देखिए क्या कहते हैं, यही है जो मैं गरीब आदमी हूँ, जब तक खटेंगे नहीं खेत पताल में कैसे दिए खाएंगे?
अब हम खेत में बाल था छिलने के लिए सब 10 आदमी नील गाय भी पाल रहे हैं। नील गाय भी दबाने रहे हैं। नील गाय भी दबाने रहे हैं। नूतन कुमार नील गाय भी आज सब सर सर जो आज घटना हुआ एक महिला की मौत हो गई कुत्ता काटने से। कुत्ता का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रशासन यहाँ सोई हुई है, कुमकर्णी नींद से सोई हुई है प्रशासन, और यहाँ के वन विभाग का जो अधिकारी पदाधिकारी वो भी सोए हुए कुमकर्णी नींद से। आप वन विभाग और प्रशासन से और जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं, और जो मृतक हैं मृतक के परिजन को परिजन के ऊपर क्या कहना चाहते हो, और उनके लिए आप क्या मांग करना चाहते कुछ बताइएगा भैया। पहले मैं बता दूं कि ये जो चोर है तीन पंचायत का है, रुदौली अरबा कदरावा, तीनों पंचायत का सम्मिलित चोर है, और गत एक मंथ से यहाँ पे कुत्ता का आतंक मचा हुआ है, और खास विशेष करके कुत्ता महिला लोगों पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। महिला लोग जैसे भी देखने को मिलता है बस महिला को मांस उसका खा लेता है, जिसका आज प्रत्यक्ष सबूत है यहाँ पे कि एक महिला सुबह 7 बजे आई है मकई छीलने के लिए, उस पर अटैक किया, पूरा उसका शरीर का मांस खा गया, डोली में एक लड़का के साथ हो गया है। स्थिति ये बना हुआ है कि अभी खेतीबाड़ी का समय है, मकई कटना है, मजदूर नहीं मिल रहा है, परेशान है मजदूर, क्योंकि कोई भी पहले जान रहेगा तभी तो कुछ है, तो जब जान ही नहीं रहेगा क्या वो मजदूरी करेगा। आज किसान भी पूरा तीनों पंचायत का किसान त्रस्त है, उसके फसल काटने के लिए मजदूर जाने के लिए चोर में नहीं तैयार है, और इसके लिए इससे पहले प्रमुखता से दैनिक न्यूज ने भी इस न्यूज को इस बात को रखा था, लेकिन यहाँ के प्रशासन तो कोई ध्यान नहीं है। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि इसके लिए समुचित व्यवस्था किया जाए, कुत्ता ताकि वन विभाग से जो भी होता है व्यवस्था करके उसको मारने की व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ के किसान सुरक्षित रूप से मजदूर जाए वो अपना खेती करे किसान। आपका नाम सुमन कुमार ईश्वर घर समाज लगातार दिनों कुत्ता का आतंक ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। आपके रुदौली पंचायत के भरोल गांव में आज एक महिला को कुत्ता काट लिया और बच्चे को भी काटा है, महिला का मौत हो गया और बच्चे अभी हॉस्पिटलाइज है, इस पर क्या कहना चाहते हैं और क्या मांग करना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से। अब प्रशासन से यही मांग कर, प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, पिछले एक महीना से हमारे पंचायत में कुत्ता का आतंक फैला हुआ है, दर्जनों आदमी घायल होके हो गया है, दो आदमी का मृत्यु हो चुका है, आज एक रुदौली में और एक भरोल में घटना हुआ, प्रशासन का उदासीन रवैया, अगर प्रशासन हम लोग को सख्त सुरक्षा नहीं देता तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, रोड जाम करेंगे, ब्लॉक में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, अभी तुरंत प्रशासन आ रहे हैं, इसका स्थायी निदान निकाले। सिलवंत कुमार वार्ड नंबर 2 बछवाड़ा प्रखंड के रुदौली पंचायत में इन दिनों कुत्ता का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और लगातार कुत्ते के द्वारा जो मजदूर वर्ग के महिलाएं होती उन पे ज्यादा अटैक किया जाता है, बार किया जाता है, और बार करने के दौरान महिलाएं का जो शरीर का जो मांस है उस मांस को कुत्ता के द्वारा खा जाता है और महिलाएं वहीं पर मर जाती है। हम यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस कुत्ता के आतंक से यहाँ के मजदूर को बचावे, अन्यथा यहाँ के मजदूर भूख से ऐसे मरता है और लोग घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।